हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन 1 से 17 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्या है। प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + up to n। अब हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 + 2 + 3 + n, और ये हमारे पास क्या दे दिया, ग्रेटर देन। किससे हमारे पास बड़ा है, सर लेस देन 1/8 × 2n + 1 का होल स्केयर। ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इससे हमेशा छोटी वैल्यू आएगी। तो ठीक है, अब हम प्रूव करके देखते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, pn = रख के n = 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा, n की जगह 1 आ जाएगा। और लेस देन है किससे, 1/8 × 2 × 1 + 1 का स्केयर। अब 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 9 × 1 = 9/8। 9/8 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 1 point something आएगा, 1 से बड़ा है, तो क्या बोल देंगे, विच इज ए ट्रू। आगे क्या किया, लेट पी के इज ट्रू फॉर के, फिर हम मान के चल पड़े कि के लिए भी फंक्शन कैसा है, ट्रू है। तो क्या आ जाएगा, pk = 1 + 2 + 3 + k, लेस देन 1/8 × 2k + 1 का स्केयर। इक्वेशन नंबर सेकंड प्रूव लिख दिया, वी शैल प्रूव दैट। अब हम प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए भी फंक्शन ट्रू है, तो k की जगह क्या रख देंगे, k + 1, लेस देन 1/8 × 2k + 1 + 1 का स्केयर। अब देखो यहाँ तक की तो हमारे पास वैल्यू है 1/8 × 2k + 1 का स्केयर, ये हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ये आ गया आपके पास फंक्शन, और ये लेस देन 1/8 × 2k + 3 का स्केयर। अब हम कर लेंगे इसके अंदर यूजिंग सेकंड। देखो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8, ये हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ तक की जो वैल्यू वो किसके इक्वल है, 1/8 × 2k + 1 के स्केयर के प्लस है, और आगे क्या आ जाएगा, k + 1। इक्वल लेके चल पड़े हम, कैसे इसको ओपन करेंगे ना, अब हम देखते हैं। 1/8 इसको ओपन किया 4k² + 4k + 1 + है। अब जब हमने एलसीएम ले लिया दोनों का, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई था तो इसका एलसीएम पूरे से बाहर ले लिया, तो 8 बन जा, यहाँ से 8 मल्टीप्लाई कर दिया, 8k + 8 आ जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे, 1/8 4k² + 8 और 4 कितना आ जाएगा, 12k + 9, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2k + 3k होल स्केयर के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। प्रूव दैट n × n + 1 × n + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या आ जाए, एक मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। कैसे, लेट pn इज इक्वल टू, हमने जो दे रखा है pn के इक्वल मान लिया, n × n + 1 × n + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा, 1 × 1 + 1 × 1 + 5, 1 as it is, 1 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, और 12 है वो 3 का मल्टीपल है, तो क्या हो गया, P1 is true। Let assume that, फिर हमने assume कर लिया PK is true, के PK is equal to K, k + 1 k + 5 = अगर ये 3 का मल्टीपल है तो क्या लिख देंगे, 3m, मल्टीपल ऑफ 3। वी शैल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, k + 1 के लिए अप्लाई किया, एक क्या आ जाएगा, k + 1, इधर k + 2, इधर k + 6, और क्या प्रूव करना है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, की 3 का मल्टीपल आ जाए। कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन, सॉरी यूजिंग फर्स्ट का हमने यूज़ किया। कैसे, ये इसके अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने इसकी k² + 5k आ जाएगी, और (k+1) मल्टीप्लाई कर देंगे k³, इसके और इसकी k² + 5k² + 5k किसके इक्वल है, 3m के। इधर k³ + 5 और 1 6k² + 5k = 3m। इधर हमारे पास क्या था, ये थी, इनको अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k+1, इसके ओपन कर दिया k² + 2k + 6k कितना आ जाएगा, 8k + 6 = 12। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, k³ + 8k² आ जाएगा + 12k, 1 की कर देंगे k² + 8k + 12। अब हम देखो k³ है, यहाँ से हम k³ की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को अपोजिट साइड ले आए क्या आ जाएगा, 3m - 6k² - 5k, k³ की वैल्यू आ गई। ये यूज़ कर लिया हमने फर्स्ट वाला, k³ की जगह हमने क्या रख दिया, 3m - 6k² - 5k,
प्लस से, अब 8 के स्केयर प्लस के स्केयर क्या आ जाएगा 9 के स्केयर, 12 के प्लस 8 के 20 के और प्लस से 12। अब देखो 3m प्लस से 6 के स्केयर प्लस 9 के, 9 में से 6 माइनस कर देंगे 3 के स्केयर, 20 के माइनस 5 के क्या आ जाएगा 15 के प्लस से 12, सभी में से कॉमन क्या आ जाएगा 3 और अंदर क्या आ जाएगा m प्लस के स्केयर प्लस 5 के प्लस 4। और जब पूरे की मल्टीप्लाई में बाहर 3 आ जाता है तो क्या हो जाएगा वो 3 का मल्टीपल है, यही हमें प्रूव करना था कि ये क्या आ जाए 3 का मल्टीपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। ये बता रखा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये इसका डिविजिबल है, अगर वो डिविजिबल है तो वो मल्टीपल भी हो गया, क्योंकि कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो इट मीन्स वो उसका मल्टीपल है, तभी तो वो उससे डिवाइड होता है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, लेट पी एन इज इक्वल टू, जो फंक्शन दे रखा है उसको पी एन इज इक्वल टू लेके चल पड़ेंगे, 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, पुट n इज इक्वल टू 1 कर दिया, क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, 10 की पावर 1 आ जाएगा, 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, और 11 है वो 11 से डिवाइड होता है, तो क्या बोल देंगे P1 इज ट्रू। फिर अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम दैट पी के इज ट्रू, कि पी के लिए भी फंक्शन ट्रू है, तो क्या आ जाएगा पी के इज इक्वल टू 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, कि ये 11 से डिविजिबल है। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो इट मीन्स 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि देखो 11, 22, 33, हमने ये बोल दिया कि 33 है वो 11 से डिवाइड होता है, तो इट मीन्स क्या वो 11 का मल्टीपल है, तभी तो डिवाइड होता है, तो इसीलिए इसको हमने क्या लिख दिया 11m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। फिर हम प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, कि पी के प्लस 1 है वो ट्रू है, अप्लाई किया हमने 10, 2k की जगह क्या कर देंगे k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अप्लाई करेंगे तो देखो कैसे आ जाएगा, ओपन करेंगे 10 की पावर 2k प्लस 2 बन जाए 2, 2 में से बन जाएगा 1 और प्लस 1। अब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऊपर हमारे पास देखो क्या थी इक्वेशन, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m, इसको मैंने ब्रेक कर लिया 10 की पावर 2k मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1 और प्लस 1 को इधर लेके आई, माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो माइनस 1 पावर है तो नीचे लेके आ सकते हैं, 10 की पावर 2k डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 11m माइनस 1, 10 को उधर लेके गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10 की पावर 2k इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 11m माइनस 1, इसका हम यूज़ कर देंगे 10 की पावर 2k, इसको मैंने ब्रेक कर लिया 10 की पावर 2k मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, 10 की पावर 2k की वैल्यू क्या निकाल दी 10 इंटू 11m माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, 10 10 जा 100 इंटू 11m माइनस 1 प्लस 1, 100 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1100m, 100 की और 1 की माइनस 100 प्लस 1, 1100m 100 में से 1 जाएगा 99, अब दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 11, तो क्या आ जाएगा 100m माइनस 9, क्या बोल देंगे इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 11, ये 11 का मल्टीपल है, और मैंने बताया था अगर वो 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल भी है, और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो भी नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y, कि डिविजिबल है किससे x प्लस y से, लेट pn इज इक्वल टू pn के इक्वल मान के चल पड़े, जो मैं दे रखा है इज डिविजिबल बाई x प्लस y, कि इससे डिविजिबल है, पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1, 1 अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और फिर इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अगर मैं इसको x प्लस वाई से डिवाइड करूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया इट मीन्स इसका डिविजिबल है, तो हम क्या बोल देंगे इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। लेट अज्यूम दैट, फिर हम मान के चलेंगे कि पी के इज ट्रू, कि जो पी के है वो हमारे पास कैसा फंक्शन है ट्रू है, अप्लाई कर दिया पी के इज इक्वल टू एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, अगर ये इससे डिविजिबल है तो इसका मल्टीपल भी होगा, हमने इसको इक्वल ले लिया मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए पी के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, 2k की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू के की जगह k प्लस 1 माइनस वाई इंटू 2 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा, अब देखो अंदर अप्लाई किया क्या आ जाएगा x की पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2,
टू, अलग अलग कर लेंगे x की पावर 2 के मल्टीप्लाई x का स्केयर माइनस y की पावर 2 के मल्टीप्लाई y का स्केयर यूजिंग फर्स्ट हमारे पास क्या था, x की पावर 2 के माइनस y की पावर 2 के इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ x प्लस y, इसमें से इसको हम अपोजिट साइड लेके आए प्लस हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे x की पावर 2 के की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी x की पावर 2 के की जगह क्या आ जाएगा मल्टीपल ऑफ x प्लस y प्लस y की पावर 2 के, और माइनस मल्टीप्लाई में कौन रहता है एक्स स्केयर माइनस वाई की पावर 2 के मल्टीप्लाई वाई स्केयर। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस इसकी और इसके मल्टीप्लाई एक्स स्केयर वाई की पावर 2 के माइनस इधर क्या आ जाएगा वाई की पावर 2 के इंटू वाई स्केयर, ये एज इट इज प्लस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा वाई की पावर 2 के, क्या बचेगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये एज इट इज रहेगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को ओपन कर दिया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अब दोनों में क्या है एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वाई, क्या आ जाएगा एम एक्स स्केयर प्लस वाई की पावर 2 के इंटू एक्स माइनस वाई, और जब बाहर मल्टीपल में आ गया है तो इट मीन्स डिविजिबल भी है, इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस वाई सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल, अगर ये मल्टीपल है तो ये डिविजिबल भी है इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट पी एन इज इक्वल टू 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, हमें प्रूव करना है कि 8 से डिविजिबल है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको n के इक्वल लेके चलेंगे, लेट पी एन इज इक्वल टू 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा पी वन इज इक्वल टू 3 की पावर 2 बन जा 2 प्लस 2 माइनस 8 और मल्टीप्लाई 1 माइनस 9, 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 9, 3 की पावर 4 क्या आ जाएगा 81 माइनस 9 और 8 17, 81 में से 17 को माइनस करेंगे क्या आएगा 64, और 64 है वो डिवाइड होता है 8 से 8, 8 जा 64, क्या बोल देंगे विच इज़ डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिविजिबल है, तो क्या बोल देंगे F1 हमारे पास क्या आ गया ट्रू। अगर हमारे पास F1 ट्रू है तो हम किसके लिए प्रूव करेंगे पी के के लिए, लेट पी के इज ट्रू फॉर के लिए हमने मान के चल पड़े कि पी के लिए फंक्शन ट्रू है, तो पी के इज इक्वल टू 3 के पावर 2 के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 88 से डिविजिबल है, तो हमने क्या किया कि 3 के पावर 2 के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ मान लिया 8 का, ये डिविजिबल है तो मल्टीपल भी होगा, तो क्या लिख लेंगे 8m। अब हम प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए, तो क्या लिखेंगे p k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9, अप्लाई कर दिया 3 की पावर 2 के प्लस 2 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 2 4 आ जाएगा माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9, अब 4 को हमने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 के अंदर, इसकी 2 पावर को अलग कर लेंगे 3 की पावर 2 के, ये अलग कर लिया 3 की पावर 2 के प्लस 2 अलग कर लिया और ये 2 पावर अलग कर दी माइनस 8 के माइनस 8 8 और 9 कितना आ जाएगा माइनस 17। अब ये हमारे पास देखो इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 की पावर 2 के प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा 8m, इधर आ जाएंगे प्लस हो जाएगा 8m प्लस 8 के प्लस 9, इसकी वैल्यू हम यूजिंग फर्स्ट लिख के लिख देंगे 3 का स्केयर इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी 8m प्लस 8 के प्लस 9 माइनस 8 के माइनस 17, 3 का स्केयर 9, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 माइनस 8 के माइनस 17 72m प्लस 72 के माइनस 8, 72 में से 8 जाएगा 64 के, 81 माइनस 17 कितना आ जाएगा 64, अब सभी में से कॉमन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 9m प्लस 8 के प्लस 8, और 8 अगर हमारा कॉमन आ गया तो इट मीन्स मल्टीपल है, मल्टीपल है तो क्या है डिविजिबल भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 27, कि ये 27 का मल्टीपल है, लेट पी एन इज इक्वल टू, हम मान के चल पड़े कि जो हम इक्वेशन दे रखी है वो क्या है पी एन इज इक्वल टू 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 27, लेट पी एन पुट करेंगे पी इज एन इज इक्वल टू 1,
इसकी पावर 1 n है, n की जगह 1 रख देंगे, 41 माइनस 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 27, 27 हो मल्टीपल है किसका 27 का। फिर हम k के लिए मान के चलेंगे, p k इज ट्रू फॉर सम इंटीजर p k के लिए, तो 41 की पावर k माइनस 14 के इज मल्टीपल ऑफ 27। अगर ये इसका मल्टीपल है तो क्या लिख देंगे इसको 27m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट अप, हम प्रूव करेंगे पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, तो पी के प्लस 1 कर दिया, 41 की पावर के प्लस 1 माइनस 14 की पावर के प्लस 1, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 41 की पावर के मल्टीप्लाई 41 माइनस 14 की पावर के मल्टीप्लाई 14। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट कर लेंगे। यूजिंग फर्स्ट के लिए क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा था, इसको इधर रख लिया, 14 की पावर के एक ऑपोजिट साइड लेके गए प्लस हो जाएगा, तो यूजिंग फर्स्ट कर देंगे। ये दे रखा है आपको 41 की पावर के किसके इक्वल आ गए 27m प्लस 14 की पावर के मल्टीप्लाई 41 माइनस 14 की पावर के मल्टीप्लाई 14। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, प्लस 14 की पावर के मल्टीप्लाई 41 माइनस 14 की पावर के मल्टीप्लाई 14, ये एज इट इज रहेगा, प्लस दोनों में 14 की पावर के कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा 41 माइनस 14, 41 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 27, तो यहाँ क्या आएगा 27m मल्टीप्लाई 41 प्लस 14 की पावर के मल्टीप्लाई 27, दोनों में कॉमन क्या आया 27, इधर क्या बचेगा 41m प्लस 14 की पावर के, और ये क्या आ गया इसका मल्टीपल आ गया, ये हमें प्रूव करना था, इसे मल्टीपल ऑफ 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट 2n प्लस 7, हमें क्या प्रूव करना है कि 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 स्क्वेयर से, कि आपके पास लेस है किससे, n प्लस 3 के होल स्क्वेयर से, पी एन के इक्वल मान के चल पड़े, फिर हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 2 वन जा 2 प्लस 7 लेस देन है 1 प्लस 3 के होल स्क्वेयर से, 2 प्लस 7 9 आ जाएगा, और ये 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वेयर 16, तो 9 लेस देन 16 इट इज ट्रू, ये हमारे पास ट्रू है कि 9 हमारे पास छोटा है किससे 16 से। फिर हम प्रूव करेंगे, पुट करेंगे लेट पी के इज ट्रू फॉर सम इंटीजर, अब हम के लिए ट्रू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे लिया। फिर हमें प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए, तो क्या किया 2k की जगह k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन क्या आ जाएगा k प्लस 1 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे k प्लस 4 का स्क्वायर, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। अब इधर देखो हमारे पास क्या है 2k प्लस 2 वन जा 2 प्लस 7, इसको मैंने अलग अलग कर लिया, 2k प्लस 7 प्लस 2 किसके इक्वल है, अब देखते हैं 2k प्लस 7 है ये किसके दे रखा है k प्लस 3 के स्क्वायर, इससे ग्रेटर है तो हमने इक्वलिटी लेके चल पड़े कि k प्लस 3 के होल स्क्वायर और प्लस में क्या है 2, क्योंकि इसके तो हमें इक्वली प्रूव करना है ना इसको, तो k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब ये एज इट इज लिख लिया, इसमें से देखो 2 बाहर ले लेंगे तो 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन है किससे, इसको अगर हम ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 6k प्लस 2, 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 लेस देन है किससे k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ये किसका स्क्वायर आ जाएगा, इसको अगर हम ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 आ गया इधर से, उधर हमारे पास क्या है k प्लस 4 का स्क्वायर, और ये इसको ओपन करेंगे क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसको तो हमारे पास क्या है ये किसके लेस है 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 है, और ये क्या है k प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास इससे लेस है क्योंकि देखो कंपेयर कर रहे हैं के स्केयर इक्वल है, यहाँ 6k है यहाँ 8k, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ 11 है यहाँ 16 है, इधर ज़्यादा है, तो इस सिंपल सी चीज़ है हमारे पास क्या आएगा बड़ा आएगा, और यही हमें प्रूव करना था कि पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ओके, थैंक यू।